में प्लास्टिक मुक्त भारत स्वच्छ सर्वेक्षण महाशपथ कार्यक्रम अकबरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत अकबरपुर ओवर ब्रिज के नीचे जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करने हेतु कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई थी। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्लास्टिक मुक्त भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रेस अभियान को जनपद में सफल बनाना है। यह कार्यक्रम 29 जून से 3 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थल, बस अड्डे, बाजार, मंडी, रेलवे लाइन व रेलवे स्टेशन, कार्यालय परिसरों, शैक्षिक संस्थानों के परिसरों, खाली पड़ी भूमि, घाट एवं नदी नालों के किनारे इत्यादि स्थलों पर व्यापक जन सहयोग एवं राजकीय संसाधनों की सहायता से प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित कराते हुए उसे ब्रांड ओनर्स एवं रिसाइकलर्स के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी से कहा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अकबरपुर नगर पंचायत सहित सभी नगर निकायों में गौ ग्रास योजना संचालित की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक घर से गौ माता के लिए रोटी एवं खाद्य पदार्थ एकत्र कर गौशालाओं में पहुंचाई जाती है। उन्होंने इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता करने की अपील की है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करने हेतु इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसमें हर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र कर रिसाइकलर्स किया जाएगा। इसके पश्चात नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योतिष्णा कटियार ने संबोधित करते हुए कहा कि प्लास्टिक मुक्त भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रेस अभियान को सफल बनाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करना है, इसमें नगरवासी ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग कर इस अभियान को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व JP गुप्ता, नोडल EO पंकज अकबरपुर, नगर पंचायत लिपिक राजेश आदि उपस्थित रहे।